हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त एक्सप्लोरिंग राइडर और आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ एक खास वीडियो जो कि आज बेस्ट है पुजीराड़ा के ऊपर और मेरे बाइक के ऊपर। बाइक के ऊपर क्यों है? क्योंकि मेरा आज लास्ट राइड होगा उस बाइक के साथ। और वो भी क्यों होगा लास्ट राइड, मैं आप लोग को वीडियो में बता दूंगा और आप लोग को पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं उसी बाइक पर पुजीराड़ा भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही खास और थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो को। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये करोगे तभी मेरे को थोड़ा इंस्पायर होगा और मैं और जगह पे जाके एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो में बिना किसी। बारिश हो रहा था तो बारिश के बाद काफ़ी सुंदर मौसम हो गया था, इसीलिए मैं घर के अंदर नहीं छत पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आजा, अरे बाप रे क्या चढ़ता है कुछ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक क्या बताऊँ, इमोशनल सा दिन है क्योंकि आज मेरे बाइक का लास्ट डे है जो कि ये जो बाइक है एक मैं सेल करने जा रहा हूँ आज, तो इसीलिए मैं इसके साथ लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा इस बाइक के साथ आखिरी वीडियो होगा। ये मेरा पहला बाइक था जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे फर्स्ट वीडियो में जो था, मैं यही बाइक से स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना। और अभी ऐसा सीन आ गया है कि अभी इसको सेल करना पड़ा है क्योंकि थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। आई होप अगली बार फिर से मैं ले सकूँ, लेकिन ये बाइक ने बहुत मेरे को हेल्प किया है, कभी धोखा नहीं दिया अभी तक और बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक इमोशनल टच होता है ना गाइस, वो वैसे बन गया है, बॉन्ड बन गया है ये बाइक के साथ क्योंकि मैं कब से चला रहा हूँ ये बाइक। और आज मेरे को, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इसको सेल करूँगा कभी। मैंने सोचा था कि इसको मैं मतलब हमेशा के लिए अपने पास रखूँगा, तो थोड़ा भी ऐसा ही सीन हो गया है इसलिए मेरे को सेल करना पड़ रहा है। तो आज लास्ट डे है, इस बाइक के साथ थोड़ा जा रहा हूँ घूमने, इसको भी घुमाने, लास्ट डे में ट्रीट दे दिया है। आज काफ़ी मौसम भी सही हो गया है क्योंकि बारिश हो रहा था सुबह तक। मैंने बहुत दिन से वीडियो भी नहीं डाला था, वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि जब मतलब मैंने बाइक के बारे में मैंने थोड़ा इधर उधर फैला रहा था बात को कि बहुत सारे मतलब कम से कम 50 से ऊपर लोगों ने कांटेक्ट किया मेरे को कि ये लूँगा वो लूँगा ये एंटन बाइक के बारे में बहुत सारी पूछताछ की, लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट है। अब जो आते हैं नए बायर्स उनके लिए मतलब क्या बताऊँ, अब उनके साथ तो वही लोग ये देखेंगे कि बाइक कैसा है, लुक्स दिखेगा, ये दिखेगा वो दे। लेकिन अगर आप लोग ने भी याद किया होगा मैंने एक हाट बाज़ार के व्लॉग में बाइक को डाला था, तो अब इसने पूरा मतलब कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था। मैं ऊपर चढ़ रहा था, नीचे जा रहा था, भीड़ भाड़ में निकल रहा था, ट्रैफिक में पड़ रहा था, तब भी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। तो वही है जो भी देखता है ना आजकल, वही है लड़कियों में और इंसानों में वही चीज़ कॉमन है। पहले बाहर से देखते हैं, अंदर का तो क्या है भाई, अगर अंदर से देखते तो आज हम भी किसी के साथ होते। तेरा भाई लोग आज क्या करे, मैं भी सिंगल हूँ तो कोई बात नहीं, सिंगल था हूँ नहीं था। जब ये बाइक आई तो मैं एंगेज हो गया, गर्लफ्रेंड नहीं था लेकिन ये बाइक मेरा गर्लफ्रेंड बन गया था। और आज फिर से मैं बेबी को ब्रेकअप दे रहा हूँ, तो बुरा लग रहा है, इमोशनल सा ब्रेकअप है, ना इसका फॉल्ट है ना मेरा फॉल्ट है जस्ट। तो चलिए गाइस, आज ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, चलते हैं हम लोग। आ गए बात करते करते, इमोशनल बात करते करते हम लोग पूछे डाड़ा में आ गए, तो थोड़ा पुजराड़ा में बैठेंगे।
चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर घर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। अभी फिर तेल भी थोड़ा बेबी को तेल पे लगाया है तो इसको रखना पड़ेगा, तेल भी बहुत महंगा होते जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पुछराड़ा पहुँच गए हैं, पुछराड़ा में आ गया हूँ। तो बाइक का शॉर्ट्स तो लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि पुछराड़ा को भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आप लोग को कैसा है। ये देख सकते हैं आप सामने की ओर पूरा पुछराड़ा है। यहाँ पे जो ये अभी लैंडस्लाइड हो गया, पिछले बार पहले हम लोग यहाँ पे बैठा करते थे, काफ़ी अच्छा जगह था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि थोड़ा बारिश के मौसम के कारण इधर लैंडस्लाइड हो गया है। तो चलते हैं थोड़ा आगे। तो गाइस मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो शायद अभी ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस ऊपर आ चुके हैं, देखिए वहाँ से यहाँ तक आते आते देखिए पूरा चारों तरफ धुंधला हो गया है, कोहरा ही कोहरा। ये देखिए गाइस अपनी बेबी के पास आ गए, अपनी बेबी को बाइक लेने के लिए। तो ये लुक दिखिए मेरे बाइक का, जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा मेरे बाइक को, मेरे बेबी को। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पुछराड़ा काफ़ी फेमस जगह है कालिम्पोंग में, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। फिलहाल अभी रेडी सीजन के कारण कोई नहीं आ रहा है, बट ये जब सीजन लगता है तो इस पर पूरा भीड़ रहता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं इतना बड़ा पार्किंग भी उसी हिसाब से बना है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ रख सके, और यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारे दिखते हैं ना कि आदमी लोग बार बार आने का मन करे। जैसे मेरा घर पास में ही है, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे अभी जिस रोड से आया तो मैं यहाँ पे बहुत बार आता हूँ, कभी कभी आलसी लगे तो आ जाता हूँ। देखिए अभी और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे बाइक लगा हुआ है, स्कूटी लगा हुआ है, नीचे आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे बंदे थे। और यही है मौसम, यही है हिल्स, और आज यही है बाइक का लास्ट डे। तो इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू बाइक, तुमने मेरा आज बहुत साथ दिया, आज नहीं हर बार तुमने मेरा साथ दिया है, कभी धोखा नहीं दिया है। तो आई होप तुम अभी जिसके पास भी जाओगे तुम उसको भी उतना ही भरोसे के साथ अपना राइड करने देना, और कभी उसको धोखा मत देना। सो गाइस आज का ब्लॉग इसी के ऊपर था, अपने बाइक के ऊपर और ये पुछराड़ा के ऊपर। ये देखिए गाइस दोनों को कम्बाइन कर दिया। तो चलते हैं अभी घर, और घर जाते हुए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस इसी के साथ बने रहे मेरे चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो, आज तो कर दो। ये देखिए मेरा बेबी पूरा नज़ारे का मज़ा ले रहा है, और देखिए आज लास्ट डे और अभी तक इसने मेरे को धोखा नहीं दिया है, वही भरोसा के साथ मैं इसको अब छोड़ने जा रहा हूँ। तो इसका ओनर आएगा अभी थोड़ी देर बाद, अभी टाइम 11 बज रहे हैं, 11:30 होने वाले हैं, तो 1 बजे के करीब इसको लेने जाएंगे। तो गाइस अभी मेरे भाई ने भी चला के देख लिया, क्योंकि लास्ट डे मैंने उसको जब बोला कि ये बाइक आज मैं मतलब किसी और को बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उसने बोला अरे भैया लास्ट डे तो एक बार राइड तो बनता है। तो मैंने ठीक है भाई तू भी क्या बात करेगा ले ले बोल के उसको भी एक राइड का मौका दे दिया। तो गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस घर के पास पहुंच गए हम, लेकिन बारिश होने वाला है, कुछ बूंदे गिर रहे हैं बारिश की, तो सही टाइम पे हम लोग निकल गए, इसलिए अभी बारिश हो रहा है। देखिए बारिश आ रही है, बारिश आई इससे पहले हम लोग को घर पहुंचना है, शायद पहुंच भी जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं रहा। तो आज का सफ़र ये बाइक के साथ ख़त्म होने में कुछ समय बाकी है, तो चलते हैं घर की ओर।
देखिए गाइस चारों तरफ धुंधला धुंधला हो गया है, वो देखिए बारिश होने ही वाला है। देखिए गाइस आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे जगह से, सिक्किम से, सिलीगुड़ी से, ये हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह सपोर्ट मिलना भी चाहिए और ऐसे ही मिलते रहेगा। तो आई होप मेरा 1K जल्दी हो जाएगा और मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जितना जल्दी हो सके उतना 1K कंप्लीट करा दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से, मतलब मेरे को एक इनकरेज मिले 1K से तो मैं और भी अच्छी वीडियो डाल सकूँ। पर फिर भी मैं जितना हो सके उतना अच्छा डालने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाइस हम लोग घर पहुँच गए, तो ये भैया है जिन्होंने मेरा बाइक लिया है, तो ये आपसे मेरा भैया, ये न्यू बायर हो गए मेरे बाइक के, तो इनको आज मैं डॉक्यूमेंट्स देने जा रहा हूँ और ये कीवी हैंड ओवर कर दिया। और आयो भैया आपसे ये चलाएंगे बाइक, कुछ कहना है भैया आपको बाइक के बारे में? हाँ बाइक अच्छा है, मैंने चलाया अच्छा लगा। तो गाइस आज लास्ट डे है तो भैया आज बाइक लेके जा रहे, चलिए थोड़ा लास्ट बाइक करते हैं, बाइक पर भी चलिए। तो गाइस ये रहे बाइक और ये रहे बाइक की न्यू ऑनर। ठीक है गाइस भैया स्टार्ट करके जा रहे हैं, चल जा दे ना तुझे। भैया ने बाइक ले लिए, पहले इसी जगह पे मेरा बाइक रहता था, अभी पूरा सुना सुना लग रहा है, ये बाइक का कवर भी इधर पड़ा हुआ है। तो बस ये देखो गाइस बाइक जैसे बाइक बाइक की याद आ रहा है पूरा। आई होप भैया को अच्छा लगे, मज़ा आए चलाने में। तो गाइस यही तक था मेरे बाइक का सफ़र, बाइक गया मेरे से दूर, टाटा बाय बाय हो गया बाइक को। सो थैंक यू गाइस देखने के लिए।